Congratulations. Thanks, sir. So, इनमें से किससे शादी कर रहे हो? ये मेरे लिए नहीं है, ये अनुष्का के लिए है. ये रिश्ता मेरे लिए? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? बता ही तो रहे. हम निकलते हैं, और काम भी है. अरे रुकना सिद्धांत, कॉफी पीते हैं और साथ ऑफिस चलते हैं. नहीं, आप लोग फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक आउटसाइडर का क्या काम? आउटसाइडर किसको बोला? तुम केके का फैमिली है. राइट सर. थैंक यू केके सर, बट ऑफिस में और काम भी है, तो ऑफिस में मिलते हैं. ओके, सी यू. सिद्धांत, अनुष्का तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो ना. तुम बताओ, तुम्हें कौन पसंद आ रहा है? क्या हुआ, किसी बात पर अपसेट है? एक्चुअली पापा, फर्स्ट टाइम है ना शादी की बात, ऐसा होता है. मैं भी अपसेट हो गई थी. शादी करने की इतनी जल्दी है तो खुल के बोलो ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हम कोई रोक रहे हैं क्या? हाँ छोटी जी. बाबूजी, स्वीटी सिंह ने कमाल कर दिया है, दिनेश स्वामी का एड्रेस ढूंढ लिया है. आप तो बस पीठ ठोको मेरी. कहाँ का एड्रेस है? मेरठ का है, मैसेज कर रहा हूँ, चेक कर लो. थैंक यू स्वीटी जी, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है. बाबूजी वो तो ठीक है, पर आप सोच समझ के जाना, उसकी फैमिली बात करेगी भी आपसे. एक प्लान है तो हमारे पास. आप एक और काम करिए स्वीटी जी, कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालनी है. आप हुक्म करो बाबूजी. ये प्रसन्ना का बेटा, एक बात मैच मेकर को नहीं पता जो केके को मालूम, इसका दो स्टील फैक्ट्री दोनों लोन में डूबा है. लुक एट दिस केके, इनके अमेरिका और यूरोप में बुटीक होटल्स हैं. नो मॉम, इसे एडवेंचर का कुछ ज्यादा ही शौक है. मैं अपनी बहन की शादी ऐसे घर में नहीं कर सकता जहां लड़का इतना रिस्की हो. इसे कुछ हो गया तो नो वे. तुम्हें भी तो शौक है एडवेंचर स्पोर्ट्स का. मेरी बात अलग है मॉम, प्लीज डोंट कंपेयर मी विद देम. इनकी फैमिली तो कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल लग रही है. आई डोंट थिंक अनु विल बी एबल टू फिट ओवर हियर. सी रिधि, व्हाट डू यू थिंक? या आई एब्सोल्युटली एग्री. How about this one? Solicitor Devin Jija Bhoy ka beta hai. England mein bada lawyer hai. Lawyer KK ka office mein kaam karta hai. Bada chota jaisa bhi ho, lawyer lawyer hai. Aur Anushka lawyer ke saath shaadi nahi karega. Really? ये रीजन है तुम लोगों का लड़का रिजेक्ट करने का? ऐसे तो हो चुकी अनुष्का की शादी. पर मॉम इतनी जल्दी भी क्या है, ऐसे क्यों हम ये अनु की शादी कर रहे हैं? तुम्हारा मॉम अपना जिम्मेवारी से जल्दी ये छुटकारा पाना चाहता है. जोक करता है. अभी के अपना बेटी का शादी किसी के साथ भी तो नहीं कर सकता ना. कार्तिक के लिए तो तुमने फौरन हाँ कर दी थी, अनुष्का के लिए इतने चूजी क्यों हो रहे हो? बहू के साथ चांस ले सकता है क्योंकि शादी के बाद बेटा केके के साथ रहेगा, लेकिन बेटी शादी के बाद दूसरा घर में जाएगा.
इसीलिए कह के सन इन लॉ के साथ चांस नहीं ले सकता। तुम्हें इनमें से कोई ठीक लग रहा है? माँ, अप्पा को, श्री अन्ना, कार्तिक, अगर किसी को कोई पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या बोल सकती हूँ? जब तक के श्योर नहीं होगा और उसका का शादी नहीं करेगा। राइट। जी मिस्टर दिनेश स्वामी, ये उन्हीं का घर है। हाँ जी, हम गुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, उनका क्लेम प्रोसेस करना है। लेकिन वर्क पेपर्स तो हो चुके थे सर। एक आध जेरोक्स क्लियर नहीं है मैम, और दो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए थे। हमने सोचा हम खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि जितना जल्दी पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा उतना जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आइए। थैंक यू। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड की कॉपी एंड नॉमिनी के बैंक डिटेल्स। अच्छा, और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी चाहिए, अब तक तो आ गया होगा। जी मैम, हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। जी पूछिए। आप लोग मेरठ में कब से रह रहे हैं? यही कोई एक महीने पहले शिफ्ट हुए हम लोग दिल्ली से। और यहाँ शिफ्ट क्यों किया आपने, उसका कारण क्या है? पता नहीं पापा के दिमाग में क्या आया, अचानक ही प्लान बन गया उनका और हमें मेरठ ले आए। हमारा तो कोई रिलेटिव भी नहीं है इधर। और ये कभी घर पे डिस्कस नहीं किया कि क्यों मेरठ शिफ्ट करेंगे? आप ये पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैम देखिए, मिस्टर स्वामी गोए एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका क्लेम अमाउंट भी बहुत बड़ा है, स्क्रूटनी भी काफ़ी है। अगर हमें जितनी जल्दी सारे डिटेल्स पता होंगे उतनी जल्दी ही हम आपका केस क्लियर कर पाएंगे। यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अचानक घर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। हम यही पूछते रहते थे लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। जब से उनके एयरलाइन का क्रैश हुआ था तब से वो कुछ उखड़े उखड़े रहते थे। हमें लगा प्लेन क्रैश होने की वजह से डिप्रेशन में होंगे, दो तीन दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे, मगर हुआ उल्टा ही। कंडीशन बिगड़ती ही चली गई और हमें मेरठ ले आए और कहने लगे अब से हम यहीं रहेंगे। हमें बिना बताए फ्लैट भी खरीद लिया था उन्होंने। हमने कितनी बार पूछने की कोशिश भी की मगर कभी कुछ नहीं बना। प्रभाकर सिन्हा, क्या ये नाम आप लोगों ने कभी सुना है उनके मुंह से? नहीं। हम आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं, मिस्टर स्वामी की मौत कैसे हुई? उस दिन वो सामान लेने मार्केट गए थे और उन्हें अटैक आया और वही गिर गए। हमें तो पुलिस स्टेशन से फोन आया तब पता चला। कभी कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक चल रहा था। हाँ बस थोड़ा एसिडिटी की शिकायत कर रहे थे, गिरे और सब खत्म हो गया। उस दिन बस एसिडिटी हुई, किताब पढ़ रहे थे और हार्ट अटैक आ गया। ये लीजिए डॉक्यूमेंट जो आपने मांगे थे।
थोड़ा एसिडिटी की शिकायत कर रहे थे। उस दिन बस एसिडिटी हुई, गिरे और सब खत्म हो गया। किताब पढ़ रहे थे और हार्ट अटैक आ गया। हेलो, कहाँ हो तुम? तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन हमें नहीं करनी है। ये मेरी शादी वाली बात से तो नहीं चिढ़ गया? अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में बात करते हैं। हम शायद आज ऑफिस नहीं आ रहे। क्यों, क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या सिद्धांत? एक बार ऑफिस आकर मेरी बात तो सुन लो। कल बात करें प्लीज, बाय। अब ये क्या गड़बड़ हो गई? वो सोच रहा होगा कि मैंने झूठ बोला है। अरे सब ठीक है ना? आज दोपहर में ही आ गया? हाँ माँ, वो ऑफिस में काम कम था। आप क्या कर रही हैं? मैं खाना बना रही हूँ। चल तू हाथ धो ले, तेरे को गरम गरम खाना खिला देती हूँ। हाँ माँ, आज वो इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आया था, पापा के क्लेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको जितना याद हो सोचकर जवाब दीजिएगा। हाँ, गैस बंद कर देती। पूछ। पापा की डेथ से पहले क्या उन्हें चेस्ट पेन था या किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन सामने आई हो? नहीं, यही सोच सोच के तो दुख होता है पर हैरानी भी होती है। कभी कुछ भी नहीं हुआ, एकदम एकदम नॉर्मल थे। मतलब कुछ होता तो चेकअप करवा लेते ना। वो कोई दवाई लेते थे किसी भी तरह की? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो एक दो बार एंटासिड लिया था। एंटासिड है क्या? थोड़ा एसिडिटी हो रही है। वो बैठे बैठे एसिडिटी हो गई होगी। वो दो तीन दिन से उस किताब को उसके पीछे पड़े हुए थे। वो क्या रेड्डी कॉर्पोरेशन की जो किताब थी ना, कह रहे थे पटना जाने से पहले इसे खत्म करना है, तो बस। आपको लगता है उन्हें किसी बात की टेंशन थी? टेंशन तो थी, फोन आते रहते थे। देख, हम ना ज्यादा पूछते नहीं थे। दिनेश स्वामी, ये नाम आपने कभी सुना है उनके मुंह से? दिनेश? नहीं, कभी नहीं सुना। कौन है वो? ऑफिस में पिताश्री के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, अच्छे लोगों को उनके जाने के बाद लोग याद करते ही हैं। बस और सवाल नहीं पूछेंगे माँ। आप अपना मूड खराब मत कीजिए। माँ, वो पापा के ऑफिस से कुछ सामान आया था ना, वो किधर है? स्टडी में रखा हुआ है। हम देखते हैं। तू खाना तो खा ले। हम थोड़ी देर में खाते हैं, आप ऊपर दे दीजिएगा। Thank you.
क्या हुआ? रेंटा सीट को क्यों घूर रहा है? ये वही है जो पिताश्री लाए थे? नहीं, हम लेकर आए थे। काफी वक्त हुआ, 2-3 महीने हो गए। एक्सपायर हो गई क्या? नहीं। माँ, आपको वो औरत याद है जो पिताश्री से मिलने आई थी? अब कोई 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। कौन? हाय प्रभाकर। हाँ याद है। उसके अलावा और कोई आया था मिलने जिसे आप जानती ना हो? नहीं, कोई भी नहीं आया। इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मैं याद आ रही थी पिताश्री की। कुछ पेपर ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे। हमने सोचा कहीं कोई लेना गया हो और हम ऐसी बेफजूल में ढूंढते रहते। अच्छा चल ठीक है, हाथ धो ले, खाना खा ले, बाद में ढूंढ लेना। चल। स्वामी और हमारे पिताश्री की मरने की वजह एग्जैक्टली सेम है। अलग अलग डॉक्टर्स ने उनकी मरने की वजह एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। लगता है दोनों एक ही तरीके से मरे हैं। और उन्हें अटैक आया और वहीं वहीं गिर गए। अंकल क्या हुआ? मैसिव हार्ट अटैक है एंड ही इज नो मोर। I know, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो जाएगी क्लियर। यार हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती क्यों हैं? हाँ राव जी। अनुष्का बेबी, आपका मसाला चाय। नहीं राव जी, आज मन नहीं है मेरा। आपका हेल्थ इज ओके ना? आज आप ऑफिस से भी जल्दी घर आया। राव जी हेल्थ एकदम ठीक है, बस मूड खराब है, मेरा मन नहीं है पीने का। ओके। बहुत बोल दिया तुमने, आज के बाद नहीं आऊंगी। तुम्हारा तो पता नहीं कुछ सोचकर आई थी या नहीं, मगर हम जरूर कुछ सोचकर आए थे, लेकिन अब हमें लगता है कि तुम डिजर्व ही नहीं करती। पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने में 7 साल लग गए थे। मैंने और सिद्धांत ने कितना कुछ मिस कर दिया एक दूसरे की लाइफ का। मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए, आई लव यू सिद्धांत। मेरी एक बात मानोगी? तुम अपनी फीलिंग्स सिद्धांत से पहले शेयर मत करना। नहीं, मैंने भाभी को भी तो प्रॉमिस किया है ना। सिद्धांत पहले तुम्हें ही बोलना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लगता है आज मुझे अपने बचपन के कर्मों की सजा मिल रही है। क्या बोल रहे हो छोटी जी? मैं हमेशा बैटिंग ही करता था बाबू जी, आज आप सुबह से दौड़ा रहे हो, मेरी बैटिंग कब आएगी? आपको बैटिंग की नहीं, बॉलिंग और फील्डिंग की जरूरत है छोटी जी। इस बहाने थोड़े हल्के तो होंगे ना। ओफो, क्या बचपन है सिद्धांत। सॉरी आंटी जी, सिद्धांत अंधाधुन मार रहा है, इसे समझाओ मुझे बैटिंग दे दे, मैं आराम आराम से मारूंगा। पीडी जी, गेम पे फोकस करो, गेम पे। अनुष्का आपका फोन ट्राई कर रही है, एक बार चेक कर लो, शायद फोन साइलेंट पे है आपका।
बाय। तुम फोन वोन की चिंता करना छोड़ो और अपनी शादी पे फोकस करो। और अपनी शादी का कार्ड जरूर भेज देना। हम दूल्हा दुल्हन पर फूलों की वर्षा करने जरूर आएंगे। चल भाई, कहाँ बिजी हो गया? Not out. हम रेडी नहीं थे। बाबूजी, जब विकटों के सामने खड़े होते ना तो रेडी रहना चाहिए। अब चीटिंग मत करो, लाओ मेरी बैटिंग। अब फिर किसी सोच में डूब गए? हमारे पिताश्री और दिनेश स्वामी की डेथ में इतनी सिमिलैरिटीज हैं स्वीटी जी कि हमें तो शक हो रहा है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.